हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल कुकिंग विद प्रेरणा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और सूजी का एकदम नया नाश्ता, सूजी टिक्का। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सूजी टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ एक कढ़ाई। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 कटोरी पानी, मैं यहाँ पर 2 कटोरी सूजी से ये सूजी टिक्का बना रही हूँ। इसी हिसाब से मैंने यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाला है। पानी थोड़ा गर्म होने देंगे। हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें धीरे धीरे करके सूजी को ऐड करेंगे। अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम कर देंगे। हम इसमें सूजी बिल्कुल धीरे धीरे कट के डालेंगे, नहीं तो हमारी बैटर में गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हमें इस तरह से चलाते हुए इसे अच्छे से पकाना है जब तक कि एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाती। वैसे सूजी बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ये 1 से 2 मिनट में डो के फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए हमारी सूजी बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 उबले हुए आलू जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ। मैंने ये एक बारीक बारीक शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, एक टमाटर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जी और ऐड कर सकते हैं, प्याज, मटर, गाजर, कुछ भी। अब इसे 1 से 2 मिनट के लिए हम और पकाएंगे। हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम अपने इस डो में ऐड कर रहे हैं 3 टीस्पून पाव भाजी मसाला। इससे हमारे टिक्का में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 3 टीस्पून अरारोट, ये हमारी टिक्का को बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा। मिक्स करेंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। हमारा डो एकदम रेडी हो गया है। अब हम अपने टिक्का बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। इस प्लेट को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। अब हम अपने इस डो को इस प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। और अच्छे से हमने पूरी प्लेट में इस डो को फैला लेंगे। अपने हाथों से अच्छे से हम इसे बराबर फैला देंगे प्लेट में। और
और अब हम इस डो को आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा ये डो अच्छे से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद हमारा डो सेट हो गया है। अब हम इसके पीसेस कट करेंगे। आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं और शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ सिर्फ 2 चम्मच तेल से शैलो फ्राई करूंगी। हम अपने एक एक करके सभी टिक्का को इसमें डाल देंगे, जितने टिक्का एक बार में इसमें आराम से आ जाएं। थोड़ा सा ऑयल चारों तरफ से हम डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इन्हें पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब हम अपने टिक्का को पलट लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरह से हम इन्हें दूसरी साइड से पका लेंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हुए हमने अपने टिक्का को पका लिया है। ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी सूजी टिक्का बन के तैयार हुए हैं। आप इन्हें टमाटो केचप के साथ या फिर चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। बहुत ही कम तेल में बनाइए हेल्दी नाश्ता। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।